आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एक तरफ आप नारद मुनि के बारे में जानते हैं, ब्रह्मा जी ने उन्हें अविवाहित रहने का श्राप दिया था, कई बार प्रेम में पड़ने के बाद भी वे अविवाहित रहे, पर कहीं कहीं यह भी उल्लेख है कि नारद मुनि की 60 पत्नियां थी, 60। असलियत क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, नारद मुनि को आप जानते हैं, उनके बारे में आपने सीरियल्स में देखा है। वो अत्यंत ही चंचल और हसमुख स्वभाव के देवता थे। उनका काम लोगों को जानकारी देना था। वो पृथ्वी लोक से जानकारी लेकर स्वर्ग लोक में देते थे और स्वर्ग लोक की जानकारी को पृथ्वी लोक में पहुंचाते थे। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे। वो पुराने जमाने के समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस थे, डाकिया थे। वो पूरे ब्रह्मांड की खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किया करते थे। अभी एक ब्रह्मचारी जिनके मुख पर हमेशा भगवान विष्णु या नारायण का नाम रहता है, सादगी से रहने वाले एक ऐसे ऋषि जो भोग विलास से दूर रहते हैं, सूचनाएं इधर उधर करते हैं, देवताओं असुरों इंसानों को जानकारी देकर एक पत्रकार का काम करते हैं, उनकी 60 पत्नियां कैसे हो सकती है? अगर ये कोई कहे कि नारद मुनि की कई सारी पत्नियां थी और भोग विलास में मग्न रहते थे तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आपको वैदिक साहित्य की ज्यादा जानकारी नहीं है तो शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में मौजूद नारद की छवि से मेल नहीं खाती है। पर वैदिक साहित्य की माने तो यह सच है कि नारद मुनि की 60 पत्नियां थी और वो भोग विलास में लिप्त रहते थे। और यही नहीं, नारद मुनि के इस बात से नाराज होकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने उनसे श्राप भी दे दिया था। दरअसल कथाओं के अनुसार नारद अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे और इस जन्म में उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। गंधर्व के रूप में नारद जी की बहुत सारी पत्नियां भी थी। अब एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई जिसमें नारद अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थे। तो यहां पर वो ब्रह्मा जी की बातों को अवॉइड कर रहे थे, उनका हास प्रयास और व्यंग चल रहा था। इस पर ब्रह्मा जी नाराज हो गए और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वो शूद्र योनि में जन्म लेंगे। इस श्राप के बाद नारद जी का जन्म शूद्र वर्ग में एक दासी के यहां हुआ। पर अपने इस जन्म में नारद ने ऋषियों और मुनियों की सेवा की और उनके सेवा भाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। सेवा से नारद के सारे पाप धुलने के बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शूद्र के रूप में मृत्यु होने के बाद नारद उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। नारद मुनि को अपने जीवन में कई अप्सराओं से प्रेम हुआ था, लेकिन वो किसी से शादी नहीं कर पाए थे। जब भी नारद मुनि किसी रूपवती या अप्सरा को देखते थे तो उन्हें प्रेम हो जाता था, लेकिन लाख कोशिश के बाद उनकी शादी नहीं हो पाती थी। अब इसका कारण क्या था वो सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड में एक कहानी है जिसके अनुसार शादी ना होने का श्राप नारद को उनके पिता ब्रह्मा से मिला हुआ था। ब्रह्मा ने नारद मुनि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया था। अब क्यों दिया था वो मुद्दे की बात है। जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस दौरान उन्हें 4 पुत्र हुए, उनमें से एक नारद मुनि थे। तीनों पुत्र तपस्या के लिए कहीं दूर चले गए और अकेले नारद मुनि बच गए। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि तुम यहीं रहो और सृष्टि की रचना में मेरी मदद करो और शादी कर लो। अब नारद मुनि तो स्वभाव से चंचल थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को शादी करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्होंने नारद मुनि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि तुम्हें जीवन में कई बार प्रेम होगा, लेकिन तुम चाह कर भी किसी शादी का बंधन में नहीं बंध पाओगे। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए तुम सारा जीवन भागते हुए ही बिताओगे और पूरी दुनिया में सिर्फ दौड़ते भागते ही रहोगे। इसी तरह नारद मुनि को आजीवन अविवाहित का श्राप मिल गया और वो सारा जीवन यहां से वहां भागते रहे। स्वर्ग लोग की सूचनाएं पृथ्वी तक पहुंचाते थे, पृथ्वी की सूचनाएं
स्वर्ग लोक तक पहुंचा देते, पर वो हमेशा नारायण नारायण कहते थे और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।